देशव्यापी हड़ताल को लेकर कोरबा के घंटाघर स्थित एसबीआई ब्रांच के सामने बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। जन विरोधी बैंकिंग व आर्थिक नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के निजीकरण और उसमें विनिवेश के सरकार के फैसलों के विरोध में आम जनता के हितों की रक्षा के लिए हड़ताल की जा रही है। बैंक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल से कोरबा जिले के 63 बैंक शामिल हैं, जिसमें 500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। जिले में लगभग 4 करोड़ का लेन देन 2 दिवसीय हड़ताल से प्रभावित होगा। इधर बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल से खातेदारों की परेशानी बढ़ा दी है। बैंक में हड़ताल से अपना लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग जो है वो देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं। इस हड़ताल में 9 संघ जो है वो भाग लिया हुआ है। हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले यह हड़ताल रखे हैं और यह हड़ताल का उद्देश्य केवल निजीकरण के विरोध में है। सरकार ने जो निजीकरण करने का फैसला लिए है 4 बैंकों को, उसके विरोध में हम लोग इसका हड़ताल रखे हैं। इस हड़ताल में जो है हम अपने जो कस्टमर है उसके हितों को ध्यान में रख के किए हैं। हमारी निजी स्वार्थ के लिए हम लोग अभी हड़ताल नहीं रखे हैं। ये 2 दिवसीय हड़ताल जो है अपने उन गरीब भाइयों के लिए है, वो बेरोजगारों के लिए है, जिससे बेरोजगार प्रभावित होगा। गरीब लोगों को जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उससे वो दूर हो जाएंगे और देश में सरकारी बैंक जब खत्म हो जाएगी तो लोगों की जो पैसा है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आज 2 दिवसीय हड़ताल 15-16 रखे। जिले के कितने बैंक इसमें शामिल हैं और कितने लोग हड़ताल में हैं? 63 बैंक हैं जो हड़ताल में शामिल हैं। इसमें लगभग 500 अधिकारी एवं कर्मचारी महिला पुरुष शामिल हुए हैं और हम यह बताना चाह रहे हैं कि इस कोरबा जिला में ही 3 से साढ़े 3 करोड़ के जो व्यवसाय है वो प्रभावित है। आगे मांग पूरा नहीं होगा तो आगे क्या? आगे यदि मांग पूरा नहीं होती है तो हमारे यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के जो पदाधिकारी है वो जैसा मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से हम पुनः प्रस्तुत। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।